हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड। इस समय बज रहे हैं सुबह के 10:30 और क्योंकि आज खेत का काम नहीं है करने के लिए, इसीलिए मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर से सारे घास वगैरह निकालना। बिकॉज करना तो है कुछ भी, खेत का काम ना सही तो दूसरा काम सही। तो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर रोज मॉर्निंग के टाइम पर पारिजात के फूल नीचे गिरे रहते हैं, तो मम्मी और हम लोग जब उठाने के लिए आते हैं बाहर तो पूरे घास वगैरह लग जाते हैं हाथ में, इसीलिए आज मम्मी पूरी सफाई कर रहे हैं साइड को, ताकि मॉर्निंग के टाइम में फूल उठाने के लिए आसानी रहे। ज़्यादा खतरा तो गुजी बाग का रहता है, इतने बड़े बड़े गुजी बाग रहते हैं यहाँ पे। तो बाकी वो गुजी बाग जब इतनी खुजली हो जाती है ना उनसे, वो कुछ खुजली वाला कीड़ा होता है उसे गुजी बाग कहते हैं। मम्मी गुजी कीड़ा कह रहे हैं, हम गुजी बाग कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर पूरी सफाई कर रहे हैं। ये है फ्रंट साइड का पारिजात के फूल का पेड़ और मौसी बैठे हैं छाया में। यहाँ पर गिरते हैं सारे फ्लावर्स, अभी सारे फ्लावर्स इसमें से गिर चुके हैं क्योंकि मॉर्निंग में के टाइम में ही सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं इसमें से टूट कर। और यहाँ पर मम्मी ने कर दिया है पूरा साफ, बिकॉज यहाँ तक पूरे फ्लावर्स गिरे रहते हैं। हो गया मम्मी का काम कंप्लीट, सब यहाँ पर ढेर कर दिया। अब थोड़ी देर में यहाँ इसको जला देंगे। और फ्रेंड्स ये है हम लोगों का बिजलू, खाने के लिए रोता है बट खाता नहीं, इसको खाना दो तो, और हर समय खाना ही मांगता रहेगा। बिजलू गुस्सा आ गया, बिजलू को गुस्सा आया हुआ है इसीलिए ये यहाँ को देख ही नहीं रहा है। ये देखो इसकी गुस्से वाली शक्ल, चला गया ये पक्का। यहाँ हाँ यहाँ सोना है तुझको। बिजलू का फेस बता रहा है कि बिजलू कितने गुस्से में। सो फ्रेंड्स मैं भी आ चुकी हूँ बाहर से अंदर, और आज मैंने बैठ के सारे बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं बाहर धूप में। बाकी दिन में रोज ऊपरी तौर पर सफाई वगैरह कर देती थी, बट काफ़ी टाइम हो गया था ये धूप वगैरह में नहीं रख रखे थे। तो अब ठंडियों का मौसम भी आने वाला है, तो इससे पहले कि ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो जाए एक बार सारे बिस्तर वगैरह में धूप लगा देंगे तो सही रहेगा। तो अभी तो फिलहाल सारे कपड़े बिस्तर वगैरह धूप में रखे हुए हैं, और करेंगे टेबल की भी सफाई, बिकॉज टेबल भी काफ़ी दिनों से मैंने साफ नहीं कर रखा। टेबल क्लॉथ उसमें से हटाया था, उसके बाद से दोबारा उसमें मैंने टेबल क्लॉथ लगा ही नहीं रखा था। तो अभी चलते हैं और सबसे पहले टेबल साफ करते हैं और उसमें लगा देते हैं टेबल क्लॉथ। सो फ्रेंड्स ये है टेबल की कंडीशन, बार बार मैं इसे साफ करती हूँ और बार बार सारी चीज़ें टेबल के ऊपर ही जमा हो जाती है। तो फिलहाल मेरा सबसे पहले काम ये है कि ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा करके दूसरी जगह रखूँगी और टेबल में मैं लगा दूँगी, एक अच्छा सा क्लॉथ लगा देंगे इसमें। और क्योंकि फ्रेंड्स हो चुका है टाइम 11:40, तो इसीलिए हम लोगों का खाना बनना भी स्टार्ट हो चुका है, और आज बन रही है राजमा की दाल। सो फ्रेंड्स जब तक बनता है हम लोगों का लंच, तब तक मैं करूँगी अपने कमरे की पूरी तरीके से सफाई वगैरह, और स्टार्टिंग तो करूँगी सबसे पहले मैं अपने टेबल से, बिकॉज टेबल सबसे ज़्यादा गंदा हो रखा है। सो फ्रेंड्स लगा दिया है मैंने टेबल में क्लॉथ भी, और अब मैंने सारी चीज़ें अरेंज भी कर दी है। अब इसमें एक्स्ट्रा अननेसेसरी कुछ नहीं रखना, ऐसे ही अच्छा लग रहा है टेबल, तो टेबल को हम ऐसे ही रहने देंगे। और पहले कितना गंदा सा लग रहा था, पूरा भरा भरा हो गया था, अननेसेसरी चीज़ें भी हो गई थी, अब ठीक है अब बस ऐसे ही रखना है। सो फ्रेंड्स बिजलू भी उठ गया है और बिजलू का भी हो रहा है लंच, तो बिजलू खा रहा है दूध भात, तो उसके लिए रखा हुआ है दूध और नमकीन, और चावल तो ऑलरेडी खा ही रहा है वो। तो क्योंकि मेरा भी हो चुका है टेबल वगैरह सेट करके और खाना भी ऑलरेडी बन चुका है, तो अभी चलते हैं पहले कर लेते हैं लंच, उसके बाद मैं करूँगी पूरा ये बेड सही, यहाँ पर बिस्तर वगैरह लगा देंगे बिकॉज सुबह से धूप में रखा हुआ था। तो अब लंच करने के बाद इसमें मैं लगा दूँगी बिस्तर फिर से, तो पहले चलते हैं और करते हैं लंच। बिजलू का तो हो गया लंच, चला गया बिजलू।
सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं दोपहर के 1 और हम लोगों का लंच बन करके भी हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स, आज लंच में हम लोगों के हैं राजमा चावल। आज काफी टाइम बाद मम्मी ने बना रखा है राजमा की दाल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे अपना लंच और बनाएंगे आगे का ब्लॉग लंच के बाद। आज बिजलू भी मस्त होकर के सोया हुआ है, ये वहां पर सो रखा है बिजलू, क्योंकि हमने फैन चला रखा है तो इसलिए बिजलू को ठंडा लग रहा है, इसीलिए बिजलू इस तरीके से गोल गोल होकर के सो रखा है। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं शाम के 4 और मेरा भी हो चुका है काम कंप्लीट। दोपहर का लंच करने के बाद से बेड वगैरह भी मैंने सब सही कर दिया था, धूप में रखे हुए थे आज सारे बिस्तर वगैरह, तो फिर सब अरेंज कर दिया है और अब फाइनली काम कंप्लीट हो गया है। तो आज का तो पूरा दिन अंदर कमरा ही साफ करने में निकल गया है, तो क्योंकि अब हो चुका है पूरा काम कंप्लीट तो अब थोड़ा सा कर लेते हैं रेस्ट। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं शाम के 5:30 और मैं भी आ गई हूँ घर के बाहर। मौसी ने तो यहाँ पर खतरनाक धुआं लगा दिया है मच्छर भगाने के लिए, और मौसी यहीं पर ही बैठे हुए हैं इसीलिए मौसी ने धुआं लगा रखा है ताकि मच्छर ना काटे। घास इकट्ठा कर रखे हैं तो घास का लगाया जा रहा है यहाँ पर धुआं, फिर भी मौसी मच्छर काट रहे हैं। धुआं लगाने के बाद भी मच्छर काट रहे हैं क्योंकि धुआं तो उधर को उड़ रहा है और मौसी अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं। और मम्मी की भी गार्डनिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि इस टाइम पर पानी आता है और आजकल तो मम्मी को रोज ही मॉर्निंग में और इवनिंग में पानी डालना होता है पौधों में, बिकॉज आजकल हम लोगों ने यहाँ पर बीज लगा रखे हैं मेथी वगैरह के, तो इसीलिए इसमें रोज सुबह शाम पानी डालना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी लोग बाहर हैं और अपने काम पे लगे हुए हैं तो मैं भी थोड़ा देर बाहर ऐसे ही टहलूंगी। और मौसी ने तो यहाँ पर इतना खतरनाक धुआं लगा रखा है, बट इसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज फिर भी मच्छर काटने में ही लगे हुए हैं। मौसी की मेहनत काम नहीं आई। और बिजलू भी अभी तक यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया, अब दिखाई भी नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ है। मम्मी ने सारे पौधों में पानी डाला और जो मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल रोज फ्लावर लगा रखे मम्मी ने उसमें भी पानी डाल दिया। सही है, साफ हो रहा है, जो भी बाहर मिट्टी वगैरह लग रही है तो पानी डालने से वो भी साफ होते जा रहे हैं। और पौधों में पानी डालते डालते मम्मी अब यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ तो सब तुलसी तुलसी ही हैं। यहाँ पर भी मम्मी ने 2-3 टाइप के फ्लावर्स लगा रखे थे, अब एक भी नहीं है यहाँ पर, अगर कुछ है तो सिर्फ तुलसी के पौधे। फ्रेंड्स, गार्डनिंग का काम भी हो चुका है कंप्लीट, पानी वगैरह भी भर दिया है, तो अब चलेंगे ऊपर छत में, बिकॉज अब ऊपर छत में पानी की टंकी में लगाएंगे पाइप, तो चलते हैं ऊपर छत में, यहाँ का काम खत्म। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी आ गए हैं ऊपर छत में, बिकॉज अब ऊपर छत में करेंगे काम स्टार्ट। नीचे तो गार्डनिंग वगैरह सब हम लोगों ने कर ली है और अब पाइप कर रहे हैं ऊपर, बिकॉज अब करेंगे ऊपर छत में काम। हम लोगों ने यहाँ पर इतने सारे फ्लावर पॉट्स लगा रखे हैं बट किसी में भी फूल नहीं है। ये फ्लावर पॉट तो खाली सा दिख रहा है और बाकी इनमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। सो फ्रेंड्स, ऊपर छत में से भी हो चुका है हम लोगों का काम कंप्लीट। वैसे तो ऊपर छत में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस समय अच्छी हवा चल रही है, बट क्योंकि अब हम लोगों का होगा रात का डिनर वगैरह बनाने का काम स्टार्ट और पूजा पाठ भी करना है, तो हम लोग भी चलेंगे अंदर। और बच्चे लोग क्योंकि आगे में खेल रहे हैं वॉलीबॉल, इसीलिए इतनी तेज़ तेज़ की आवाज़ आ रही है, बिकॉज फ्रंट साइड में सारे बच्चे मिलकर के वॉलीबॉल खेलते हैं, तो बच्चे लोग भी कर रहे हैं एंजॉय। और हम लोग चलेंगे नीचे अंदर और करेंगे रात का डिनर बनाने की तैयारी, बिकॉज होने वाले हैं 6:30। सो फ्रेंड्स, हम लोग भी आ गए हैं ऊपर छत से नीचे और मुझे लगा था बिजलू चला गया है, बट बिजलू तो अंदर रूम में सो रहा था, तो ये भी उठ गया है और अब उठते ही इसको चाहिए होता है खाना, ये सोच सोच करके खाता है, तभी तो हर एक एक घंटे में ये म्याऊ 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 करके खाना मांगता है। बिजलू तो कहाँ छुप कर सोया था, देखो फिर चला गया सोने के लिए, थोड़ा सा खाता है फिर सो जाता है, फिर खाता है फिर सो जाता है।
सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं रात के 8 और हम लोगों का डिनर बन करके हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स, आजकल दिन पे दिन हम लोगों का डिनर करने का भी टाइम जल्दी जल्दी होता जा रहा है। पहले 9 से 8.30 हुआ, 8.30 से अब हो चुका है 8, क्योंकि जैसे जैसे ठंडियों का मौसम आता जाएगा वैसे वैसे हम लोगों की टाइमिंग भी और जल्दी जल्दी होते जाएगी डिनर करने की। तो फ्रेंड्स, बिजलू भी चला गया है अपना डिनर करके और अब हम लोग करेंगे अपना डिनर। तो मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।